लंबी कदकाठी, रौबदार चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और ताव दिखाती मुझे पहचान थी यूपी में अब तक के सबसे बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की। वो मुख्तार अंसारी कभी जिसके नाम पर आम आदमी तो छोड़िए पुलिस वालों की पतलून भी गीली हो जाती। वो मुख्तार अंसारी जो जेल में कैद होते हुए भी जेलर से बड़ा रौब और रुतबा रखता था। वो मुख्तार अंसारी आज 7 फीट की कब्र में हमेशा के लिए दफन हो गया है। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी को अपनी मूंछों से बेहद लगाव था। कई बार कैमरे में कैद तस्वीरों में वो अपनी मूंछों को ताव देता नजर भी आ जाता। पिता की तरह ही अंसारी के दोनों बेटे अब्बास और उमर अंसारी को भी मूंछें रखने और उसे ताव देने का काफी शौक था। ऐसे में जब मुख्तार अंसारी की अंतिम यात्रा निकलने वाली थी, वो ताबूत में बेजान पड़ा था। उस समय उसका छोटा बेटा उमर अंसारी अपने पिता की मूंछों को ताव देता नजर आया। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह डॉन का बेटा ताबूत में पड़े अपने बेजान पिता की मूंछों को ताव दे रहा है। आपको बता दें, यूपी के सबसे बड़े और कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी की गुरुवार शाम दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद उसके शरीर को बांदा से गाजीपुर ले जाया गया, जहां शनिवार की सुबह उसे सुपुर्दे खाक किया गया। मुख्तार अंसारी की शव यात्रा के दौरान हजारों की भीड़ उसके आखिरी सफर में साथ चलती नजर आई। वो भीड़ मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे भी लगा रही थी। हालांकि जिस कब्रिस्तान में मुख्तार को दफनाया गया, वहां सिर्फ उनके परिवार के लोगों को ही जाने की अनुमति थी, लेकिन लोग उसके मिट्टी में मिल जाने तक कब्रिस्तान के बाहर ही जुटे रहे और नारे लगाते रहे। इससे ये भी साफ हो जाता है कि भले ही वो कितना भी बड़ा माफिया या डॉन रहा हो, अपने चाहने वालों के दिल में उसके लिए एक खास मुकाम था, जो चिलचिलाती धूप में भी मुख्तार की शव यात्रा में शामिल होने पहुंचे थे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार का शव उसके पैतृक गाँव मोहम्मदाबाद पहुँचाया गया। माहौल को बिगड़ने से बचाने के लिए अंसारी के घर के बाहर पुलिस के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी तैनात कर दिया गया था। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये वही लोग थे जो मुख्तार को अपना मसीहा समझते थे, उसकी एक आखिरी झलक पाने के लिए बावले हुए जा रहे थे। मुख्तार के घर के बाहर लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा था। उसके घर के बाहर कुछ समर्थक बेकाबू हो रहे थे और प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। हालात को बेकाबू होता देख मुख्तार के भतीजे मनु अंसारी को लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करनी पड़ी। वहीं पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी और DM से समझाने के बाद उग्र होते समर्थक शांत हो गए। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए मुख्तार की शव यात्रा का रास्ता तक बदला गया और उसे दूसरे चौड़े रास्ते से कब्रिस्तान ले जाया गया। सड़क से लेकर घर, दुकानों की छतों पर चढ़कर उसके चाहने वाले मुख्तार के आखिरी सफर के गवाह बन रहे थे। और इस तरह दशकों तक पूर्वांचल समेत यूपी के कई जिलों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला माफिया डॉन अब हमेशा हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद सो चुका था।